दोस्तों आप में से करीब सभी ने अपने लाइफ में एक बार तो ट्रेन में सफर किया ही होगा और आपने नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर सफर किया होगा। पर आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने वाला हूं जिस पर आप भूल कर भी कभी सफर नहीं करना चाहेंगे। इसमें कुछ ट्रैक तो इतने खतरनाक हैं कि कमजोर दिल वालों को यहां से सफर नहीं करने दिया जाता, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको बनाने में काफी वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी। तो चलिए दिखाते हैं कौन से हैं वो दुनिया के 7 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। मैगलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों वैसे तो ये ट्रेन यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए ये ट्रेन काफी बड़ा खतरा है। नहीं समझे, चलिए मैं समझाता हूँ। दोस्तों थाईलैंड के मैगलोंग रेलवे स्टेशन के पास की पटरियां शहर के भरे मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। हैरानी की बात यह है कि पटरियों पर ही यहां की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। यहां जगह की कमी होने के कारण काफी लोग अपनी दुकान रेलवे पटरी पर भी लगा लेते हैं, पर ट्रेन की आवाज सुनते ही सब अपना सामान समेटने लगते हैं और ट्रेन के जाते ही सब वापिस अपनी दुकानें लगा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन और इन लोगों के बीच में सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ट्रेन टू दी क्लाउड्स, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बना ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लगे। दोस्तों इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू दी क्लाउड्स भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस ट्रेन की पटरी जमीन से करीब 4,220 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसी वजह से लोग इस ट्रेन में सफर करने से कतराते हैं। ये ट्रेन करीब 21 सुरंग और 29 पुलों से होकर गुजरती है। दोस्तों ये रेलवे ट्रैक एंडीज माउंटेन के बीच से होकर गुजरता है और ये ट्रैक उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना को चिली देश से जोड़ता है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक की हाइट ज्यादा होने के कारण यहाँ का रेलवे विभाग रोजाना इस ट्रैक की जांच करता है। एसो मिनामी रूट, जापान। यह रेल रूट जापान का सबसे खतरनाक रेल रूट माना जाता है। इस पटरी का कुछ भाग पतले लोहे के पुल से होकर गुजरता है जो दोनों ही तरफ से खुला हुआ है, इसलिए ट्रेन चालक को बड़ी ही सावधानी से ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर का एक गलत कदम ट्रेन को पटरी से सीधा नीचे गिरा सकता है। और दोस्तों ये खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, आगे जाकर इस ट्रेन को एसो मिनामी ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरना पड़ता है। एसो मिनामी जापान का सबसे बड़ा और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे हर वक्त यात्रियों पर ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। यहाँ सफर करने के दौरान आप बड़ी आसानी से इस ट्रैक के पास जलते हुए लावा को देख सकते हैं। भगवान न करे, लेकिन अगर इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो इन यात्रियों को कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ से गुजरते हुए घने जंगल और गहरी घाटियां नजर आएंगी जो ऊपर से देखने में काफी डरावनी लगती है। रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, चेन्नई। दोस्तों अब तक तो आपने दुनिया के कई खतरनाक रेलवे ट्रैक देखे, पर अब आपको दिखाते हैं भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। दोस्तों दक्षिण भारत में मौजूद यह रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल की टोटल लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का निर्माण अगस्त 1911 में शुरू किया गया और 24 फरवरी 1914 में यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। दोस्तों इस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो उन्हें चारों ओर समंदर ही समंदर दिखाई देता है, और जब इस समंदर में विशालकाय लहरें उठती हैं तब ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांसें थम जाती हैं। यहां अक्सर आने वाले तूफानों और तेज हवाओं के बीच इस रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन का सफर इतना रोमांचक और खतरनाक होता है कि लोग यहाँ जाने से भी कतराते हैं। डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई करीब 415 किलोमीटर है। यह रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि 1947 में इस रेल ट्रैक को बंद कर दिया गया था, और इसका कारण जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने कवाई नदी में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा दी, इसलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। दोस्तों इस दुर्घटना के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद 1957 में फिर से खोल दिया गया। यहाँ सर्राती हुई हवा
फड़फड़ करती हुई ट्रेन की आवाज और दिल दहला देने वाली ऊंचाई ट्रेन में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ सफर करना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं। जकार्ता बंदुंग रेल रूट, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में चलने वाली ये हाई स्पीड ट्रेन जकार्ता को इंडोनेशिया के शहर बंदुंग से जोड़ती है। जकार्ता से बंदुंग तक का ये सफर सिर्फ 3 घंटे का है, पर ये 3 घंटे आपको रोलर कोस्टर राइड देने के लिए काफी हैं। इस सफर के दौरान आपको कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे, पर वीडियो के टाइटल से आप जान ही चुके होंगे कि हमने ये ट्रेन क्यों ऐड की है। दोस्तों, इस सफर का असली मजा तब शुरू होता है जब ट्रेन घने ट्रॉपिकल जंगल के ऊपर बनाए गए ब्रिज से होकर गुजरती है। तब मंजर काफी भयानक हो जाता है, क्योंकि ट्रेन से नीचे देखते ही आपको जंगल के वो मंजर दिखाई देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। डेविल स्नोज रेलवे ट्रैक, इक्वाडोर। दोस्तों, ये ट्रेन इक्वाडोर के अलाओशी और सिलाम्बे के बीच एंडीज माउंटेन के ऊपर चलती है। इस खतरनाक पहाड़ पर स्थित यह रेलवे ट्रैक करीब 12 किलोमीटर लंबा है। 1905 में बनाया गया यह रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इस ट्रैक के एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ गहरी खाई, जिसे देखकर लोगों की जान हलक में आ जाती है। दोस्तों, यह रेलवे ट्रैक इतना पतला है कि इसको बनाते समय सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी, इसलिए इसे डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक कहा जाता है। इस पटरी की टर्निंग इतनी शार्प है कि ट्रेन के पटरी पर से स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपका दिल मजबूत है, तो आपको इस रेलवे ट्रैक पर एक बार सफर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया के इन सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से आप किस रेलवे ट्रैक पर सफर करना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।